रामपुरी में नाला निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए। एक पक्ष ने निर्माण कार्य रुकवाया तो दूसरा पक्ष निर्माण कार्य करवाने पर अड़ा। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला रामपुरी में शहाबुद्दीनपुर रोड पर जल निगम द्वारा पानी निकासी के लिए नाला निर्माण कार्य की शुरुआत बीते दिवस की गई थी। इसके लिए बाकायदा शहाबुद्दीन रोड पर जेसीबी मशीन से उखाड़ना शुरू कर दिया गया था। क्षेत्र के लोगों का विरोध इस बात को लेकर है कि इस नाले को भी बनाकर इसमें बहने वाले पानी का रुख रामपुरी में पहले से बने हुए अंडरग्राउंड नाले में मोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। लोगों का कहना है कि उक्त अंडरग्राउंड नाला जरा सी बारिश में ही ओवरफ्लो हो जाता है, इसी कारण बारिश का पानी घरों में घुस जाता है और इसी के चलते बेहद परेशानी होती है। बीती शाम रामपुरी के निवासियों ने नाला निर्माण स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य रुकवा दिया था। उनका कहना था कि पहले इस बात की गारंटी दी जाए कि यह नाला रुड़की रोड पर बहने वाले बड़े नाले में मिल जाएगा, ना कि रामपुरी वाले नाले से इसे जोड़ा जाए। बीती शाम नाला निर्माण कार्य रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह अचानक ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, जिस पर समाजसेवी मनीष चौधरी के नेतृत्व में मोहल्ले वालों ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर प्रदर्शन किया और फिर से नाला जी बताइए किस बारे में। देखिए, रामपुरी में एक नाले का विवाद लेकर के कल से बहुत स्थिति विस्फोटक बन रही है, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है कि किसी का भी हो नुकसान देता है, कॉलोनी चाहे बीच में दीवार के तरीके जरूर हो, लेकिन पानी सभी का निकलना चाहिए। हमें पानी से और नाला बनने से कोई विरोध नहीं है। आज कल जब स्थिति में हम उन लोगों को बोल गए थे कि आप मौके पर आकर के एक दफ़े सर्वे करके हमारे मोहल्ले वासियों को संतुष्ट करें कि नाला जो है रुड़की रोड पर जो कि नक्शे में पहले से ही पास है वो वहीं पर गिरेगा, लेकिन कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो हैं उसको मोहल्ला रामपुरी की तरफ मोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, वो गलत है, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और आज इसी संज्ञान में मजिस्ट्रेट साहब ने बुलवाया था तो उनके साथ मीटिंग भी हुई, एक्शन साहब भी यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पहले मौके पर जाकर सर्वे किया जाएगा और सही जो भी रहेगा कि रोड पर नाला गिरे तो उसी में शायद वो नाला डलेगा भाई। अगर